दोस्तों इस फोटो में जो आपको पर्सन दिखाई दे रहा है ये है रणवीर सिंह, और ये जो है फोटो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान उन्होंने इस तरीके का जो है ड्रेस कोड पहना हुआ था और काफ़ी लोगों को फन कराया, मिमिक्री की, बहुत सारी कमेंट्री भी की। लेकिन अभी रिसेंट में एक ऐसा इन्होंने वाकया किया है, एक न्यूड फोटोशूट अपना कराया, जिस वजह से इनके खिलाफ एक FIR यहां पर दर्ज की गई है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन सेलिब्रिटीज़ को अपना आइडियल भी मानते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो कुछ चीज़ों को आपको अपनी लिमिटेशंस के दायरे में ज़रूर रहना चाहिए। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि इनके खिलाफ कुछ लीगल चार्जेस जो हैं वो गाइस लगाए गए हैं, और न्यूड फोटोशूट में इनके खिलाफ जो है एक सोशल एक्टिविटीज से उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है, और बुरी तरीके से ये अपने आप को यहाँ पर फंस चुके हैं। आपको थोड़ा सा पूरा मुद्दा ये बता दूँ है कि एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि एक मैगजीन के लिए जो है इन्होंने एक फ़ोटोशूट कराया था जो कि आपने पीछे देखा था, तो उससे एक NGO काफ़ी आहत हुआ है। उसने कहा है कि वुमेन और जो हमारे भारत के लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में अच्छा नहीं है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वाई इनके खिलाफ IPC की धारा 509, 292, 294 और IT Act 67A इसके तहत जो है वो केस दर्ज यहाँ पर किया है। तो एक NGO चलाने वाले पर्सन, इनका नाम है ललित श्याम, तो इन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ में FIR दर्ज यहां पर कराई है, क्योंकि जो वुमेन के सेंटिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं पर इंसल्ट हुए हैं, और ये जो न्यूड फोटोग्राफ्स हैं ये नहीं होने चाहिए थे, तो इसी वजह से इनके खिलाफ FIR यहां पर कराई गई है और कई सारी IPC की धाराओं के अंतर्गत इसमें जो है FIR यहां पर की गई है। ओके, मैं आपको एक चीज़ यहां पर बता दूं कि जो IT Act 67A है इसमें क्या प्रावधान है। देखो गाइस, अगर कोई भी पर्सन अगर किसी तरीके का ऐसा मटेरियल पब्लिक करता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ठीक है, जो कि सेक्सुअल है, तो ये सेक्शन यहाँ पर इम्पोज्ड किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इंस्टाग्राम पर ये इन्होंने अपनी सेमी न्यूड जो फोटो डाली है, तो ये जो है IT Act 67A के अंतर्गत में ये चीज़ आ सकती है। तो इसमें कितनी सजा है, तो अगर कोई पर्सन गिल्टी फाउंड होता है यहाँ पर तो 5 साल का जो है जेल का प्रावधान है और 10 लाख रुपये तक का फाइन जो है वो यहाँ पर है। ओके, और IPC 292 ये भी यहाँ पर लगाया गया है, इसमें अश्लीलता को परिभाषित किया गया है। इसके तहत अगर किसी किताब, पेपर, पैम्फलेट, मैगजीन, लेख, ड्राइंग या किसी भी ऐसी चीज़ को अश्लील अगर माना जाता है जो कामुक है या कामुक बनाती है, तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर एक्ट लगता है 92, ठीक है। तो अगर इसमें गिल्टी फाइंड होता है कोई पर्सन तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है और 2000 का जो फाइन है वो यहाँ पर इम्पोज गैस किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, तो राम गोपाल वर्मा इन्होंने भी सपोर्ट किया। देखो, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, बट एक पब्लिक फिगर के नाते अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करती है, तो इन चीज़ों से इन एक्टर्स को बचना चाहिए। बाकी आपकी राय कितनी है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपनी खुद की जो लाइफ है इसको आप और भी स्ट्रांग बनाएं, और अपने जो आदर्श हैं उसमें गाइस ऐसे लोगों को लेकर आएँ, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि इन सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा तवज्जो ना दें, जस्ट मूवी एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। बट अगर इस तरीके की कोई मैसेज या फिर कोई ऐसी ये भावनाओं को लोगों की चोट पहुँचाते तो इनका अपोज, इनका सामाजिक बहिष्कार, इनका जो सामाजिक बहिष्कार है वो ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, अपने कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि आपको इनके बारे में क्या लगा। थैंक यू।